ठीक है करो पेचकस। ओ ये देख, ये देख, बिल्कुल नहीं आता तेरे को काम करना। ओए जादूगर, ऐसे होता क्या काम? तेरे को मशीन चाहिए, भाई को मशीन चाहिए। ये वाला बेचारा हाथ से कर रहा है, गत्ते बना रहा है। कितनी मेहनत का काम है ना यार ये। नहीं मेहनत नहीं है, तो दिख रहा भाई ये मेहनत वाला दिख रहा है तो पूरा काम। ये तार बनानी है, इनमें लाइट लगानी है, डंडे इसके साइड में जो ये स्ट्रिप लगती है ये लगेगी इसके ऊपर। अभी गत्ते रेडी होंगे। लोग कहते हैं वहाँ पर इतने का मिल रहा है, यहाँ पर इतने का मिल रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आती इतनी मेहनत में कितने का कैसे मिल रहा है। ये विटार के दरवाजे रेडी हो रहे हैं, स्क्रू स्क्रू लग गए। ये हमने किसी के बाहर के गत्ते आज कोई लेकर आया, मेरे पास पेच नहीं लगा रखा भाई, ये ठीक करने के लिए आए थे हमारे पास। ये पेच नहीं लगा रखे इसके अंदर, यहाँ पेच नहीं है, इसमें पेच नहीं है। ये बड़ा पूरी गाड़ी खुली पड़ी, लग्जरी इंटीरियर्स, ये दो ट्रिम्स के गत्ते खुले पड़े। वाह भाई वाह, कोई बात नहीं भाई, करो एंजॉय करो लाइफ। यहाँ मैं चलता हूँ भाई के पास। ये बोनट खुला हुआ, स्पीड कवर लग गए, डैशबोर्ड लग गया, ये गाड़ी पूरी तैयार खड़ी है। तो बिल्कुल सारी गाड़ी खुली हुई भाई। तो दिवाली सेलिब्रेशन चल रही है, ऊपर बाहर भी शेड और अंदर भी शेड। गुरुजी का हमने एक सत्संग कराया था, लंगर किया था, तो उसकी वजह से ही हमने लगा के रखा था। और दिवाली की सेलिब्रेशंस के लिए भी प्रॉपर मुझे चाहिए था कि जब मेरे कस्टमर आ रहे हैं एक उनको नीट एंड क्लीन क्लीन चीज़ें मिले, और जहाँ जा रहे हैं वो सुंदर मिले। तो कार लिबास पे ही आए हुए हैं। तीन गाड़ियाँ आज मेरे पास आई हुई हैं, एक ग्रैंड विटारा नहीं है सॉरी, आज ये हाईराइडर मेरे पास आई है। हाईराइडर में आज हमने डोर में डंपिंग नहीं करी, मोरेल के ज़बरदस्त कॉम्पोनेंट्स, ये आपको बताऊँगा मैं थोड़ी देर में। पूरी गाड़ी की जब वीडियो बनेगी, ट्यूटर की साश स्टीयरिंग भाई उल्टा लगा हुआ, ये रॉ वीडियो भाई सर, उस टाइम रॉ। लग्जरी गाड़ी का काम लग्जरी तरीके से कार लिबास में काम हो रहा है। वाओ, सारी लटरम बटरम बाइने कर रखी है ये, इसमें ये है ही नहीं, इसमें यहाँ बैक नहीं है। पता नहीं लड़के क्या करेंगे आज। ये पीछे स्पीकर्स, ये भी बताऊंगा भाई बाद में। बहुत मेहनत लगती है भाई सारा काम करने में, पूरी असेंबल से डिसेंबल करके असेंबल करने में बहुत टाइम लगता है। गत्ते देखो भाई, ये प्रॉपर पूरे खुल गए। डोर में डैम्पिंग नहीं करी आज, ट्यूटर की सैश के लिए डैम्पिंग लगा दी इसमें, ट्यूटर पूरा रोक दिया। एम ए लाइट K3 लग गई। सारे दरवाजे देखो खुले हुए, यहाँ पे ये डोर खुला हुआ है, ये लीवर भाई ने तोड़ दिया। ये लो जी वापस भी लग गया। बड़ी मेहनत का काम है भाई, बड़ी मेहनत का काम। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं भैया? समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और सीख रहा है भी नया तरीके से? सीखेंगे सीखेंगे ही नहीं, अभी सीख रहा है। सीख रहा हूँ, बिल्कुल सीख रहा हूँ। मेहनत करियो बढ़िया तरीके से एकदम, कोई गड़बड़ नहीं करनी काम में। देख रहा है कि कैसे कर रहे हैं भैया काम? अच्छा, निगरानी कर रहा है, सीख नहीं रहा बैठे तो उनकी निगरानी कर रहा है। निगरानी कर रहा है, कोई छूट तो नहीं गया पेज पास है ना? चलो भाई हम मिलेंगे थोड़ी देर में पूरी गाड़ी की वीडियो रेडी करने के बाद। सुहास की गाड़ी रहने वाली है, ये ब्रेजा का LXI मॉडल, और LXI का जो हमारे पास मॉडल आया है ये बिल्कुल बेसिक गाड़ी आई थी। पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन आज हमने इसके ऊपर करी है, और जिसके तरीके से आप देख सकते हैं, फ्रंट की ग्रिल हमने इसके ऊपर लगाई, LED फॉगलाइट लगाई, फॉगलाइट के ऊपर क्रोम लगाया, ऊपर जो लाइट्स हैं उसको हमने वाइट में कन्वर्ट किया है। सो पूरी गाड़ी एक बार रेडी होगी तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हमारे पास ये गाड़ी आई है और किस तरीके से इसको हम रेडी कर रहे हैं।
एलॉय व्हील्स आज इसके ऊपर हमने नियो के लगाए हैं। नियो के लगाने के बाद इसके ऊपर जो कैप है इसको हमने सुजुकी से कन्वर्ट कर दिया, इसका लोगो एक स्टिकर लगा दिया। साइड मिरर फोल्डेबल इसमें नहीं आते, फोल्डेबल हमने मिरर कर दिए इसके। विंडो क्रोम गार्निश इस पर लगी हुई नहीं आती, सो विंडो क्रोम गार्निश इसके ऊपर इंस्टॉल कर दी। डोर वाइजर क्रोम लाइन वाले इंस्टॉल कर दिए। रूफ टॉप जो इसके ऊपर हमने करी है वो आइवरी डेनिसन की हमने इसके ऊपर रूफ रैप करी है, जिसका फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास होता है। जिस तरीके से गाड़ी आती है और जिस तरीके से पेंट प्रोडक्शन, जो पेंट और पीपीएफ वाला प्रोसेस है, सेम उसी तरीके से इसके ऊपर हाई ग्लॉस में रैप हो जाती गाड़ी है। सो डोर प्रोफाइल के अंदर आज हमने ये क्रोम गार्निश लगाई, ऊपर विंडो क्रोम लगाया और साइड प्रोफाइल में इसके अलावा कुछ नहीं किया। नीचे अलॉय व्हील्स हमने डाले इसके ऊपर। इंटीरियर्स का प्रॉपर पूरा काम किया गया इसके ऊपर, और इंटीरियर्स के अंदर हमने डोर में और आके कंपोनेंट्स हमने यूज़ करें इसके ऊपर। 632 नंबर 400 वाट का ये कंपोनेंट है जिसके ऊपर स्पेसर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। स्पेसर लगाने के बाद ये प्रॉपर सराउंड वॉल्यूम भी देता है, और इसमें जो रैटलिंग की नॉइस आती है छोटे से, कई लोग इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ लगा देते हैं, लकड़ी के लगा देते हैं, सो उसकी कोई रिक्वायरमेंट इसमें है नहीं। एलेक्सा में क्रोम हैंडल इसमें लगे हुए नहीं आते, सो इसके ऊपर ये हमने इंस्टॉल कर दिए। डोर में क्रॉसओवर अंदर डाल दिए, इसमें डैम्पिंग की जरूरत नहीं थी भैया को, तो इसलिए वो भी नहीं करा। ऑटो फोल्डेबल साइड मिरर्स के लिए हमने इसके ऊपर एक ये रिले लगाई है आरडी कंपनी की, जब इसको लॉक करेंगे तो रिमोट से शीशे फोल्ड होंगे, जैसे अनलॉक करेंगे रिमोट से शीशे अनफोल्ड होंगे। सो उसके लिए ये प्लग इन प्ले तरीके से प्रॉपर पूरा काम किया गया। एमए लाइट की प्रॉपर इसमें कनेक्टर छूटे हुए हैं, ये एमए लाइट जो हमने इसके ऊपर लगाई है टेस्ला की K4 इसमें हमने यूज़ करी है, जिसके अंदर 10 पीस लगाए हैं चारों दरवाज़ों में, दो डैशबोर्ड में और दो सीट के नीचे, और दो यहाँ पर ड्राइवर सीट के, कंडक्टर सीट के नीचे, सॉरी सीट बोली थी डैशबोर्ड के नीचे। फुटस्टेप लाइट वाली इसके ऊपर इंस्टॉलेशन कर दी, इसके भी फिट फिनिश एकदम मारुति जेन्युइन, कोई डुप्लीकेट वाला पार्ट नहीं है। ये रूफ रैप कर दिया, रूफ रैप के बाद जो इसका शार्प फिनिश है इसको हमने पियानो ब्लैक में हाइड्रो डिप किया है। ये अदरवाइज इसके ऊपर टेप रैप करते हैं तो टेप से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉपर होता नहीं है, सो इसको हमने निकाल के प्रॉपर हाइड्रो डिप का इसके ऊपर हमने प्रोसेस कर दिया। डिक्की का स्पॉइलर प्रॉपर हो गया, रियर मेड गार्निश इसके ऊपर लग गई, और गाड़ी आप देख सकते हैं करनाल मोटर करनाल से मेरे पास दिल्ली के बाहर से गाड़ी आई हुई है। एक गाड़ी हमारे पास ये खड़ी हुई है जिसका हम काम कर रहे हैं आज, एक गाड़ी हमारे पास ये खड़ी हुई हाई राइडर, इसका भी आज हम काम कर रहे हैं। यहाँ डोर प्रोसेस चल रहा है, डोर के अंदर जो डोर में जो लेदराइट होता है उसका पूरा प्रोसेस चल रहा है। गत्ते पूरे खुले हुए हैं यहाँ पर, विटारा के गत्ते खुले हुए हैं, ये हमारा ड्राइवर डोर पड़ा है, पीछे गत्ते इस गाड़ी के खुले हुए हैं, ये हमारी गाड़ी क्रेटा उसके भी हमने दरवाजे रेडी करके रखे हुए हैं। सो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रॉपर आज हो रही हैं, पूरी मॉडिफिकेशन आपको लाइव आपको मैं चलते हुए दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रॉपर इसका काम हो रहा है। सो काम करने का तरीका सेम एकदम प्लग एंड प्ले तरीके से होता है, और हर एक को काम करने, हर काम को करने के लिए प्रॉपर पूरा प्रोसेस चाहिए, टाइमिंग चाहिए, और जो इसके दरवाजे हैं प्रॉपर खोल के इसके ऊपर लेदर रेट का काम होता है, जो हाइड्रो डिप का काम है उसकी जो साइड ट्रिम्स होती हैं वो इसके ऊपर यहाँ पर लगेंगी, और पूरी तरीके से प्रॉपर इसके ऊपर ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो सारी चीज़ें अपने तरीके से होंगी, सारी बेस्ट तरीके से होंगी। सो एक बार पूरी गाड़ी रेडी हो जाएगी तो आपसे दोबारा जुड़ूंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कार्लेवास के नाम से मेरा चैनल है, और यूट्यूब पर आपको मिलेगा ये। मेरे मोबाइल नंबर है 9811632352, 9909063352। सो एक बार पूरी गाड़ी रेडी होती है सो मैं दोबारा आपसे मिलूंगा इसके बाद। सो हैप्पी दिवाली सबको, आपको आपके परिवार को, और मेरे जो भाई बहन हैं यार दोस्त हैं सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज की जो गाड़ी हमारे पास है वो सेम ब्रेजा का एलेक्स ही मॉडल है, और एलेक्स जो हमारे पास आई है करनाल से हमारे पास आई हुई गाड़ी, पूरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन एकदम लग्जरी साफ सुथरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और गाड़ी बिल्कुल आपके सामने स्टैंडिंग पोजिशन एकदम सुपर क्लास। फ्रंट प्रोफाइल के अंदर डुअल टोन के हमने आज ये गाड़ी रेडी करी है, जिसके अंदर जो उसका पैटर्न आपको दिख रहा है ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पूरी गाड़ी में ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बोलूंगा एक बार थोड़ी सी साइड से आगे दिखाओ, एक बड़ी ये जो प्रोफाइल है इसकी, अभी यहाँ से देखो इसको, बिल्कुल डुअल टोन, इसमें कहीं कोई और डिफरेंट कोई कलर नहीं दिख रहा, पूरी ऊपर से जो गाड़ी है वो ब्लैक है, ये जो सेंटर पार्ट है इसका ये व्हाइट है, और नीचे का पैटर्न पूरा का पूरा ब्लैक। तो भाई एकदम रॉयल फील इस गाड़ी की है, इंटीरियर्स का जो काम है वो भी बहुत रॉयल हुआ है इसके गाड़ी के अंदर। तो स्टार्ट करूंगा मैं फ्रंट से, फ्रंट के ऊपर आज हमने इसके ऊपर मॉन्स्टर ग्रिल इंस्टॉल करी है, और जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम लुक सुपर क्लास हो जाती है। फ्रंट से तो दिख ही नहीं रही कि ये सुजुकी का कोई मॉडल है। तो हेक्सागन इसके अंदर बने हुए हैं ये, और फ्रंट का जो प्रोफाइल है ये बहुत सॉलिड प्रोफाइल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई फिट करेगा कोई टूट जाएगी, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है। नॉर्मल ग्रिल के अंदर यहाँ पर ये जाली होती है, और इस जाली से जो है ये अगर कुछ छोटा मोटा हीट होता है तो वो क्रैक हो जाती है,
तो इसके अंदर ये प्रोफाइल और बड़ा जो पार्ट इसका दिया हुआ है वो अपने आप में स्टैंडिंग लुक एकदम प्रॉपर फुली देता है। फ्रंट के ऊपर हमने ये ग्रिल लगाई, नीचे पॉकेट का क्रोम लगाया, ये भी मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट है, तो फॉकलाइट लगाई ये भी जेन्युइन है और मारुति का जेन्युइन पार्ट है ये भी। हेडलाइट के अंदर सेम अपनी 162 वाट की लेजर बूस्टर इसका थ्रो भाई, वो भी एकदम सुपर क्लास। आई बीम लॉन्ग बीम के अंदर प्रॉपर पूरी काम करती है, नीचे का जो बटन है, नीचे की जो फॉकलाइट है वो बटन से प्रॉपर ऑन होती है। ऊपर का लुक्स और नीचे का लुक्स प्रॉपर बिल्कुल इसमें सेम है, कहीं से आपको मिसमैच वाला सिस्टम नहीं नजर आएगा। ये जो लाइट्स है वो 162 वाट लेजर बूस्टर में जिसकी 2 साल की गारंटी होती है। नीचे वाले जो पार्ट है वो 6000 रुपए का है और ये एलईडी जो है शोरूम से लगकर आती है और कई जगह ये कई पार्ट्स हम इसको भी हम इंस्टॉल करते हैं जिसके अंदर वायरिंग जो होती है वो प्रॉपर कंपनी की होती है और फ्यूज बॉक्स के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोज में दिखाया तो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो फ्रंट की प्रोफाइल एकदम सुपर क्लास, साइड प्रोफाइल के अंदर आज हमने इसके बाद अलॉय इंस्टॉल करे हैं। ये जो अलॉयज हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करे हैं ये नियो ब्रांड के हैं, नियो की यहाँ पर बैजिंग होती है, नियो की बैजिंग को हटा के हमने सुजुकी का इसमें लोगो लगा दिया, स्टिकर जस्ट एक स्टिकर सही है, इसका जो नाम है वो प्रॉपर बोला चेंज हो गया। सो जो नियो अलॉयज है वो एआरआई अप्रूव्ड है, एक्सेल एसिड लीक प्रूफ है और इसमें एवरेज प्लस होती है माइनस नहीं होती क्योंकि जो गाड़ी का वेट है वो सारा व्हील्स के ऊपर होता है। और जो ये अलॉयज होते हैं ये एल्यूमिनियम के होते हैं, चलने में हल्के होते हैं और जो इसका ग्रिप है वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है इस अलॉय से, गाड़ी मेरी बहुत बड़ी हो गई, ये थोड़ी सी बल्की हो गई, स्पोर्ट्स लुक दे रही है और बहुत सुपर क्लास दे रही है ये नियो अलॉयज। एआरआई अप्रूव्ड, एक्सेल टेस्टेड, लीक प्रूफ, बीआईएस सर्टिफाइड है और आईएसआई मार्क है और इंडियन मैन्युफैक्चरर इसको बना रहा है, इंडियन रोड के हिसाब से प्रॉपर ये बना हुआ है और जो लुक्स है इसकी वो आपके सामने है। ये चारों जो हमने इसके ब्रेम लगाया वो सेम 16 इंची का इसके ऊपर टायर साइज लगाया हुआ है, जो ओरिजिनल टायर इसके साथ आते हैं उसी टायर के ऊपर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। साइड प्रोफाइल के अंदर साइड में जो हमने इसके मिरर्स करे हैं, आज ये जो मिरर्स करे इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल करे हैं, ये जैसे रिमोट से लॉक करूंगा ये फोल्ड हो जाएगा, जैसे ये रिमोट से अनलॉक करूंगा अनफोल्ड हो जाएगा, लॉक होने पे एक आवाज़ आती है और ये फोल्ड हो गया, अनलॉक होने पे 2 आवाज़ें आती है, ये डोर खुल गया। सो जो ग्लास है ये और जो ये शीशा इसे हमने लगाया है, ये पुराना शीशा निकाल के नया शीशा इसके ऊपर इंस्टॉल करा है, प्लग इन तरीके से प्रॉपर इसकी वायरिंग करी है और कोई वायरिंग इसमें डैम्परिंग नहीं करी, कोई इसी गाड़ी की वारंटी लैप्स होने वाली नहीं है। ऊपर जो इसका रैप हमने किया है वो आइवरी कंपनी का किया है जिसकी फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास, एकदम क्लास, ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर ये कोई पेंट किया हुआ है या कुछ अलग से कुछ फील है इसका, पूरी लेफ्ट राइट वाला कोई पार्ट इसमें आइवरी की हमने ये टेप इंस्टॉल करी है, हाई ग्लॉस फिट फिनिश आपके सामने है और जो डुअल लुक इसका परफॉर्मेंस जो दे रही है ये गाड़ी, तो भाई ऑसम गाड़ी दे रही है, ऑसम गाड़ी को नाजिल होके जो तैयार होके गाड़ी एकदम रूप निकल गया है ना वो कि भाई सुपर क्लास है इसका। साइड मतलब फोल्डेबल हो गए, साथ में ये हो गई इसकी लुक्स डुअल टोन, नीचे का प्रोफाइल सारा आपको मैंने बताया ब्लैक है, जो सेंटर पार्ट है इसका वो वाइट है, सो डुअल टोन के अंदर ये बहुत अच्छी लुक्स स्टैंडिंग लुक प्रॉपर दे रही है ये। डोर वाइजर क्रोम लाइन के साथ विंडो फ्रेम सेम क्रोम लाइन, सुजुकी का जनरल पार्ट और सारी गाड़ी डुअल टोन से प्रॉपर एकदम रेडी। बैक प्रोफाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैक प्रोफाइल में आज हमने कोई बहुत मेजर काम नहीं किया, सिर्फ एक मिड गार्निश इसके ऊपर लगाई है जिसकी लुक्स एकदम सुपर क्लास है, इसको भी आप परफॉर्मेंस इसकी देख सकते हैं, एकदम भाई सुपर गाड़ी है भाई सुपर। रिवर्स में हमने कैमरा इसमें इंस्टॉल किया है ब्लॉपन का 4.4 मूविंग ग्रिड लाइन, मूविंग लाइन है ये और इसकी जो प्लेसमेंट हमने यूज़ करी है वो प्रॉपर इस लोकेशन में यूज़ करी है, अगर यहाँ इस प्रोफाइल इस लोकेशन पे इसको मैं यूज़ करता तो यहाँ पर ये होल हो जाता है, होल होने के बाद ये जो है इसकी शेडो प्रॉपर इसमें पड़ती है और 30% रिड्यूस हो जाती है इसकी इमेज। सो इसको लगाने का पर्पज़ है कि वाइड एंगलर है ये, पूरी गाड़ी का लेफ्ट और राइट वाला पार्ट सारा ये आपको ढंग से दिखाएगा। सो इसको लगाने के लिए इस प्लास्टिक में होल करना पड़ता है, कोई बहुत तांडव वाला कोई काम नहीं है, कोई मेजर कोई पार्ट नहीं है कि मेरी गाड़ी में होल हो गया तो ऐसा कुछ हो गया, सो इसकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लुक्स आपको भाई बहुत अच्छी चाहिए, कैमरे की इमेज बहुत क्लियर चाहिए तो आपको ये लगाना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन और है नहीं। बैक प्रोफाइल में यही आज हमने किया है। बात करते हैं भाई सेम इंटीरियर्स की जिसमें आपको कार्लेबास आना जाता है, जो इंटीरियर हमने आज किया है वो भी डुअल टोन में बिल्कुल बेसिक इंटीरियर किया है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें तड़क भड़क नहीं करी, बट जो तड़क भड़क आपके सामने वो आपको अभी दिखेगी।
गाड़ी का डोर खुलता है तो एक वॉ फैक्टर आना चाहिए। तो इस गाड़ी में बिल्कुल बेसिक काम है, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ कलर चेंज कर दिया या कोई और चीज़ हमने ऐसी लगा दी। सो डुअल टोन के दरवाजे से आपको पता चला होगा कि मैंने अंदर क्या काम किया है। सो डोर से मैं स्टार्ट करूँगा। डोर के अंदर आज हमने और आगे कॉम्पोनेंट्स इसके ऊपर लगाए, 632 नंबर जिसके स्पीकर जिसके जिसके ट्यूटर्स हैं वो यहाँ पर लगते हैं इसके अंदर, और इसी जो डाली है इसमें से म्यूज़िक की आवाज़ आती है और अपने आप में सुपर क्लास चीज़ें ये भी। इस पार्ट के ऊपर आज हमने ये ग्लॉस ब्लैक कर दिया इसको, अदरवाइज़ ये मैट फिनिश में आता है, इसको हमने ग्लॉस ब्लैक कर दिया। इसके अंदर एमए लाइट लगा दी। डोर का इसका पार्ट हमने ये डुअल टोन के अंदर ग्रे कर दिया, नीचे जो हाथ रखने वाला पार्ट है उसको ब्लैक कर दिया, क्विल्ट का काम कर दिया। जैसी गाड़ी को इग्निशन को ऑन करूँगा मैं, ये K4 इसकी एमए लाइट इसकी बिल्कुल ऑन हो जाएगी और रनिंग मोड में प्रॉपर चलती है ये। फिट फिनिश एकदम सुपर क्लास रहता है। एक एक करके आप देख सकते हैं सारी लाइट्स चल रही है, वर्किंग हो गई है। दिवाली का टाइम है तो जैसी दिवाली की लाइटें हमारे घर में एक वो प्रीमियम फील देती है, सेम उसी तरीके से ये भी गाड़ी आपको प्रीमियम फील दे रही है। ये यहाँ से वाइट था, अभी ये वाइट के बाद यहाँ पर ये पिंक निकलना स्टार्ट हो गया, पिंक के बाद ब्लू आ गया। सो एक एक करके ये लाइट्स प्रॉपर यहाँ चलती हैं और लुक्स तो भाई एकदम सुपर क्लास हो जाता है इसका। ऐसे ही सेम डैशबोर्ड के ऊपर काम किया, डैशबोर्ड के ऊपर तो हमने काम किया है वो भी आप देख सकते हैं। ये वुडन के साथ गोल्डन का फील इसके ऊपर दिया हुआ आज। ये वाला जो गोल्डन है, ये वाला जो वुडन है, ये बिल्कुल टेक्सचर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल लेटेस्ट मेरा ये टेक्सचर है। इसके साथ हमने इसको ये गोल्डन फील है, अदरवाइज आपको ये सिल्वर का फील दे रहा है, अदरवाइज ये है नहीं, ये जो फील है इसका ये सिल्वर गोल्डन का फील है। सो इसको भाई हमने चेंज कर दिया है, स्टीयरिंग के हमने ऊपर टॉप मॉडल के स्टीयरिंग इंस्टॉल कर दिए जिसके अंदर प्रॉपर कंट्रोल्स आ गए, और कंट्रोल्स जो हमने इसके ऊपर लगाए वो भी डायरेक्ट प्लग इन प्ले तरीके से लगाए और कोई इसमें वायरिंग टैम्परिंग नहीं हुई। जो काम हुआ सेम वो प्लग इन प्ले तरीके से हुआ। ये वाले जो बटन है ये प्रॉपर काम करते हैं, ये सेम प्रॉपर चल रहा है वॉल्यूम। यहाँ पे जो सिल्वर फिनिश है ये भी अपने आप में बहुत स्टैंडिंग आउटलुक देता है। ये जो पार्ट है इसके ऊपर लेदर है, कंपनी से लगकर आया था तो इसकी कोई छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं थी। जो सीट कवर्स का जो पैटर्न था वो भैया का ग्रे और ब्लैक का पैटर्न था, ग्रे और ब्लैक के हिसाब से हमने इसको भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं समझी। सो ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ये था तो इसी के हिसाब से प्रॉपर इसको हमने मर्ज कर दिया। ऊपर जो ब्रीदा में लाइट लगी हुई नहीं आती इसके अंदर आज हमने लाइट इंस्टॉल कर दी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल प्लेन रहता है। जो यहाँ वाली लाइट होती है इससे रोशनी बहुत कम होती है। सो एक ये लाइट हमने इसके ऊपर लगा दी जिसकी कॉस्ट हमने ली सिर्फ 2000 रुपये। 2000 रुपये में रूफ खोली, रूफ खोलने के बाद इसको प्रॉपर इसको लगा दिया यहाँ पर। तो भाई ऊपर की जो लुक्स है वो भी एकदम सुपर क्लास। ग्रे कलर का इंटीरियर जैसे डुअल टोन गाड़ी के अंदर आते हैं ये ग्रे और ब्लैक, ऐसे ही हमने ग्रे और ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन दे दिया। सीट कवर्स के अंदर हमने सेम ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दे दिया। एमए लाइट हमने लगाई K4 के अंदर, मल्टी कलर रहने वाली है ये चारों दरवाजों के अंदर। सामने डैशबोर्ड के ऊपर एक राइट साइड वाला ये पार्ट है, चार दरवाजे ऐसे हुए। सो भाई एकदम ये भी सुपर क्लास। नीचे फुट स्टेप लगाए रनिंग बोर्ड में, इसकी जो इलेक्ट्रिक है वो कोई वायरिंग टैम्परिंग नहीं हुई इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने ये फुट स्टेप लगाए लाइट वाले, ये हमने लगाए विदाउट लाइट। चढ़ने उतरने में इस पार्ट पे जो है पेंट रिमूव हो जाता है, इसकी पेंट रिमूव ना हो तो उसके ऊपर हमने ये स्टील के फुट स्टेप लगा दिए इसके ऊपर। सो इसकी प्रोटेक्शन भी भाई बहुत अच्छी चीज़ है, ये लगाना है आपको जरूर चाहिए। रनिंग बोर्ड खराब हो गया तो घर वाले डांटेंगे भाई क्या कर दिया मेरी गाड़ी के साथ। सिस्टम हमने लगाया सेम ऑरा ब्रांड का, और 2GB रैम 32GB स्टोरेज, एप्पल कारप्ले वायरलेस, एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड, तो हमने इसके ऊपर वो इंस्टॉल कर दिया। डैशबोर्ड का प्रॉपर पूरा काम कर दिया, सीट कवर्स का प्रॉपर पूरा पैटर्न रेडी कर दिया। सीट कवर जो इसके ऊपर हमने लगाए हैं आज वो बकेट सीट्स हमने इसके ऊपर इंस्टॉल करी है, और बकेट सीट्स को लगाने के लिए सेम प्रॉपर पूरी सीटें कटती हैं, कटने के बाद ये प्रॉपर इंस्टॉल होता है। सो बकेट सीट कवर्स के ऊपर ये हमने सुबह से शाम के अंदर आज एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, भाई तीन गाड़ी सेम डे हमने आज रेडी कर दी है। तो बहुत जल्दी मैंने आपको बताया था कि मेरे जो सीट कवर्स हैं वो कस्टमाइज, सेमी कस्टमाइज और बकेट सीट कवर सुबह शाम के अंदर हम बहुत जल्दी देने वाले हैं। सो आज से वो लगभग मुझे लग रहा है स्टार्ट हो चुका है ऐसा प्रोसेस। ये भी गाड़ी मेरे पास सुबह आई थी, इसके अंदर सिस्टम लगाया, डैशबोर्ड का प्रॉपर काम किया, K4 लाइट्स लगाई, अंदर के चेंज किए, लाइट ये चेंज करी, आगे की लाइट्स हमने इसके ऊपर लगाई, फॉग लाइट लगाई, और सीट कवर्स इंस्टॉल करे, हेडरेस्ट इंस्टॉल करे, नीचे फ्लोर मैट्स डाले, आमरेस लगाया, आमरेस के ऊपर कवर लगाया, सारी चीज़ें भाई वन डे के अंदर ये प्रॉपर रेडी कर दी। एक ही गाड़ी रेडी हो गई, एक ब्रीजा वो खड़ी, एक हाई राइडर वो खड़ी। सो सारी गाड़ियों का काम प्रॉपर लग्जरी तरीके से हो रहा है यहाँ पर। सीट कवर की फिट फिनिश, ये डिज़ाइन, साइड में क्विल्ट थोड़ा सा आ गया, उसको बैठने को दिखाओ एक बारी। ये जो पार्ट है ये पूरा ब्लैक है, नीचे वाला जो रूल किया हुआ है ये हमने ग्रे में रूल किया हुआ है। ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ पर आइस ग्रे की पाइपिंग दे दी,
ये हमने बीच में क्विल्ट का काम दे दिया। सो एक दो तीन कलर इसके अंदर मैच कर दिए, ग्रे ब्लैक का प्रॉपर इंटीरियर। आमरेस लगाया, आमरेस के ऊपर सेम ये आमरेस का कवर भी हमने इसके ऊपर इंस्टॉल कर दिया। स्टोरेज बॉक्स इसके अंदर ऑलरेडी होता है, सो इसको भी प्रॉपर किया भाई कस्टमाइज। डोर्स हमने इसके कस्टमाइज किए, इसका फिट फिनिश आप उधर से दिखा सकते हो। सो फिट फिनिश एकदम बेस्ट है। नीचे हमने मैट्स वाले इसके रॉयल कंपनी के इसके भी आप देख सकते हो 70 में, और प्रीमियम मैट्स एक भरी हमने ये और स्टार्ट कर दिया एक, जिसमें ये ग्रास मैट है नीचे, और जो मैट के फिट फिनिश है वो भी फ्लोर के हिसाब से प्रॉपर एकदम लग्जरी मर्ज हो जाती है। सीट्स की फिटिंग में एकदम 19-20 का भी कोई गैप नहीं है, बिल्कुल रिंकल फ्री सीट कवर्स, एकदम काम सुपर बेस्ट। सो ग्रे ब्लैक का प्रॉपर वाइट इंटीरियर इसमें कर दिया और काम हुआ सेम कार्लेबाज में। कार्लेबाज को जो मेरा एड्रेस है ये दिल्ली करमपुरा का है, और करमपुरा जो है ये दिल्ली मोतीनगर कीर्तिनगर मेट्रो के बहुत पास में है। सो यहाँ पर हमारी प्रॉपर पूरी गाड़ियां रेडी होती हैं। शेड आप दिखाओ एक बारी के, शेड के नीचे हमारी प्रॉपर पूरी गाड़ियां खड़ी है। कोई रोड साइड वाला सिस्टम नहीं है, गाड़ी होगी तो सेम अंदर ही होगी, अगर बाहर में खड़ी होती तो मेरा ये स्लॉट है, यहाँ पर प्रॉपर हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं। हेडरेस्ट अलग से में लगे हुए नहीं आते, हेडरेस्ट को हमने आज इंस्टॉल करा, और ये देखो शोल्डर से मैंने इसको भाई आज ऊपर कर दिया है, तो कोई खींचने तोड़ने फोड़ने वाला कोई काम नहीं है इसके अंदर। सारी वीडियोस हम भाई अब खुद बनाएंगे, हम कोई किसी बंदे को नहीं बुलाएंगे अपने पास, और जितनी वीडियोस आपको मिलेंगी सारी कार्लेबाज के चैनल पे आपको मिलेंगी। चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है ज़रूर, आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और काम बताना है कि भाई काम कराना तो सिर्फ कार्लेबाज से कराना है, अदरवाइज नहीं जाना कहीं पर। जो यहाँ पर काम होता है सारा वेल मेंटेन्ड होता है, मेरे पास जो स्टाफ है वो सारा मेरे साथ पिछले 10-15 साल से मेरे साथ हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मारुति और हुंडई का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इवन VW में और ऑडी में भी वर्क किया हुआ है एज एसेसरीज मैनेजर। सो मेरा एक एक्सपीरियंस, खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो लग्जरी तरीके से कर रहा हूँ, साफ सुथरा कर रहा हूँ, गाड़ी को प्रोफेशनल तरीके से बना रहा हूँ। इसमें कोई काटपट वाला सिस्टम नहीं है हमारी गाड़ी के अंदर, कोई रोड साइड पे कोई हम गाड़ी के दरवाजे नहीं खड़े करते, सीट्स जो निकालते हैं हम काम करते हैं वो सामने आपके पास आपको देखा, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर पूरी मतलब शोरूम प्रॉपर फील है। कोई ऐसा बाहर वाला सिस्टम नहीं है जहाँ पर मेरी गाड़ी को कोई डैमेजेस और जो प्लास्टिक के ट्रिम्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं कई बार बाहर रखने से। सो अपने पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, कार्लेबाज के चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं एक बार छोटा सा रिव्यू लेता हूँ कस्टमर से भी, वो भी क्या उनके मूड में है, किस तरीके से वो हमें मिले, क्या उन्होंने देखा मेरे पास, इतनी सारी वीडियोज़ के अंदर मैं ही क्यों चुना गया। एक बार छोटा सा अगर भैया रिव्यू देंगे तो मैं ज़रूर उनसे कोशिश करूँगा कि मुझे दें वो। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सिस्टम को ऑडियो में आपको सुना रहा हूँ किस तरीके के स्पीकर्स हैं, किस तरीके इसके फंक्शंस हैं। सिस्टम जो आज हमने लगाया वो ऑरा ब्रांड का लगाया, मेड इन रशिया प्रोडक्ट है, इसकी एक साल की वारंटी है। और जैसे आप सैमसंग का मोबाइल लेते हैं, आईफोन को लेते हैं, तो उसके अंदर भी सेम प्रोसेस होता है कि आपने मोबाइल कहीं से लिया और बिल्कुल कुछ कंप्लेंट आती है तो किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में आप जाके उसको रिपेयर रिप्लेस करा सकते हैं। सो सेम ये प्रोडक्ट है, आपको ऑल इंडिया सर्विस मिलने वाली है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। करनाल से मेरे पास गाड़ी आई है, कल को सिस्टम में कुछ कंप्लेंट आए तो बंदा कहाँ जाएगा। सो सिस्टम उतरवाया और आपने अपने सर्विस सेंटर पर दिया, आपका काम खत्म। इसको आपको अवेल करने के लिए इसका आपको बिल चाहिए होता है। सो बिल मैं आपको GST वाला दूंगा, ऑल इंडिया सर्विस सेंटर आपको और के मिलेंगे, मोटर जो के मिलेंगे, ऑडिप्लेक्स के मिलेंगे, जो मैं चार प्रोडक्ट बेचता हूँ, तीन प्रोडक्ट ये। सो इसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज नॉर्मल में तो यही होता है कि भाई कोई कंप्लेंट होगी तो मैं बैठा हूँ ना, टेंशन ना लो। सो टेंशन तो अभी नहीं होगी, टेंशन होगी बाद में जब उसकी आफ्टर सेल सर्विस की बारी आएगी। सो फीचर एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं एक इसका एंड्रॉयड का सिस्टम दिखा रहा हूँ। ये एंड्रॉयड ऑटो जो है ये वायर्ड है, जैसे मैं इसको प्लग करूँगा केबल के साथ अनलॉक करूँगा, ये एंड्रॉयड ऑटो में ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा। आप अंदर आ जाओ पूरी, सो एंड्रॉयड ऑटो में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। इसमें ये मैसेज पूछ रहा है फाइल ऑटो ट्रांसफर और क्या करना है मुझे, सो ये करने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, ये सेम इसमें दिखा रहा था। एंड्रॉयड ऑटो इसमें वायर्ड है और एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस है। स्पॉटिफाई के अंदर जो भी ट्रैक्स हैं वो डायरेक्टली चलाएगा, मोबाइल के जो नंबर्स हैं मेरे, जो कॉल लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली ये ले लेता है। कॉन्टैक्ट्स आ गए, मेरा रिसेंट कॉल आ गई, लिस्ट है पूरी की पूरी, ये सारी आप देख सकते हैं।
सो कुलप्रीत भाई है हमारे, जिनकी कंपनी है नियो, सो उन्होंने हमें ये प्रोवाइड करते हैं हमारे अलॉय व्हील्स। सो पूरी लिस्ट हमारी इसके अंदर प्रॉपर पूरी आ जाती है, डायल नंबर्स के अंदर। अगर कोई नंबर आपको किसी का याद है तो डायरेक्टली डायल कर सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे इधर दिखाने के लिए। सो प्रॉपर इसके अंदर पूरे फंक्शंस हैं, और फंक्शन से लिए आपको मैं एक छोटा सा ये डेमो दे रहा हूँ। मोबाइल की लिस्ट आ गई, ये नेविगेशन आ गया प्रॉपर यहाँ पर, इनसेन जो गाना चलेगा वो है। सिस्टम के अंदर आपको यूट्यूब नहीं चला, इसमें नहीं चला सकते आप, क्योंकि जो एंड्रॉयड है वो सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता कि वीडियो वो प्ले करे। नॉर्मली आपको मैं स्पीकर्स का भी एक सराउंड वॉल्यूम सुना सकता हूँ, जिसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इसमें अगर हम टाइप करेंगे NCS Fearless, ये हमने वो दिया, ये नेटवर्क का इशू है, सो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है ये नेटवर्क। अगर फास्ट हो जाएगा तो इसको एयरटेल को बंद कर देते हैं, और मोबाइल का जो सिग्नल है उसको ले लेते हैं। अगर वो चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, ये चल गया भाई। ये यहाँ पर हमने इसको ऑन किया, जैसे वॉल्यूम प्लस करूँगा मैं, ये स्टार्ट हो जाएगा। सुपर क्लास भाई, वॉल्यूम सुपर क्लास है, कहते हैं ना सुपर क्लास। उसका भी आपको परफॉर्मेंस सुनाऊंगा। मोरेल के स्पीकर्स आए भाई, मोरेल के स्पीकर्स जो आए हैं, कंपोनेंट्स जो आए हैं, वो डायरेक्ट प्लग इन प्ले इसके अंदर हम लगा सकते हैं, चारों दरवाजों के अंदर जस्ट प्लग कर रहा है। और जो नीचे से ट्यूटर ऊपर आता है उसको प्लेसमेंट यहाँ करनी है, उसके लिए स्क्रू वाला सिस्टम है। सो जो ट्यूटर इसमें कंपनी फिटेड आएंगे वो डायरेक्ट इसके अंदर लग जाएंगे। कोई भी सिस्टम आप लगाओ उसकी वॉल्यूम सुपर क्लास। प्लेसमेंट भी आपको मैंने दिखाई है, उसकी वीडियोस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा वो भी। सो इसके अंदर अब नहीं दिखा सकता क्योंकि ये ऑरा इसमें पैकेज लगाया है, इसमें भी हमने ऑरा लगाया, सामने वाली गाड़ी में भी ऑरा लगाया है। तो सेम परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट है। इग्निशन ऑन करो, रिवर्स और कैमरे की क्वालिटी दिखाओ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैमरे की क्वालिटी भाई इतनी क्लियर है कि इसमें आपको कोई छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट नीट एंड क्लीन। यहाँ डबल टेप का टुकड़ा पड़ा ये भी आपको दिख रहा है, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ पर। इवन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर ये आपको कटा फटा कुछ दिखे, कोई पिक्सल फटे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये गाड़ी जिसकी हाईलाइटर की बात बोल रहा हूँ, ये हाईलाइटर मेरे पास आई हुई है दिल्ली के बाहर से, ये वो हाईलाइटर है भाई जिसके अंदर कंपोनेंट्स हमने लगाए मोरेल के और स्पीकर्स लगाए मोरेल के, पूरा लग्जरी इंटीरियर किया हुआ है। सो इस गाड़ी में भी सेम हमने आपको स्पीकर्स का परफॉर्मेंस दिखाया, आमरेस दिखाए, डोर पैनल दिखाया, गाड़ी की होते वर्किंग एवर मैंने आपको दिखाई कि तीन चार मेरे पास गाड़ी खड़ी है सबकी मैंने आपको वर्किंग दिखा दी, लाइट से एक तरीके प्रॉपर दिखा दिए। सो एक चलते हैं छोटे से रिव्यू के लिए, एक कस्टमर से रिव्यू लेते हैं किस तरीके से सोच के आए थे और कैसे वो हमें रेटिंग एक देना चाहते हैं। चलते हैं मेरे कस्टमर के पास। फाइनली गाड़ी का प्रॉपर पूरा काम हो गया और गाड़ी आपके सामने डुअल टोन, इसका नाम भी आज मैं डुअल टोन ही दूंगा, डुअल टोन ब्रेजा। सो थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत, आपसे मैं चूज किया कार के पास तो और काम करने का मौका दिया। सो बहुत शुक्रिया भैया, आप भी करना और आपका नाम अंकुश और आपका भैया प्रदीप, प्रदीप भी हमारे पास आए हैं, अंकुश भी हमारे पास आए हैं। तो सेम वीडियो देखी थी आपने? हाँ जी, मैंने आपकी वीडियो देखी थी पहले यूट्यूब पे, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैंने भाई से ही करवाने हैं, क्योंकि मैंने और भी देखा तो मुझे बात वो नहीं लगी जो आपकी में लगी, पहले आपकी वीडियो देखी थी, आज आपका काम भी देख लीजिए। तो काम सेटिस्फेक्शन है? हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल। और रिक्वेस्ट करेंगे आप सबसे कि एक बार भाई को मौका दे दो। थैंक यू सर। किसी ने भी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है भाई को मौका जरूर दें, निराश नहीं करेंगे भैया आपको। सस्ते महंगे वाला प्रोसेस कई बार बोलते हैं कि नहीं है, थोड़ा सा महंगा है या सस्ता है। अब सस्ते महंगे के अंदर क्या है, जो पार्ट आपने लगाए उसका प्राइस मैंने लिया आपसे, कोई ऐसा नहीं कोई चीज, कोई पार्ट ऐसा नहीं। मैं इतने तीन साल हो गए मैंने औरा को नहीं छोड़ा आज तक, मैंने मोटर का बटन नहीं छोड़ा, सीट कवर कस्टमाइज करता उसी के हिसाब से प्रॉपर है और गाड़ी आपके सामने लुक्स
मतलब बहुत स्टैंडिंग लुक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में स्टैंडिंग लुक है गाड़ी के अंदर, बहुत अच्छी लग रही है। सो सैटिस्फाइड सर, वी आर एकदम फुल एकदम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू यार। सो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को बढ़ाना है भाई ऊपर अभी, और इसी तरीके की गाड़ी आपने लेकर आओगे ब्लैंक और मैं रेडी करके दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मैं करता हूँ वीडियो को एंड, थैंक यू।